विंडो है, वो खिड़की शो कर रहा है। उस तो गाइस आ चुके हैं ये गुफा में। भाई डरावना लगता है यार, देख रहे हो कैसा गुफा है। ब्रिटिश लोग ना पीछे के साइड से जो अपना तोप रहता था ना, उधर से तोप लगाते थे, और यहाँ से तोप का जो आता था ना मिसाइल, डायरेक्ट उस गेट पे लगती थी। लेकिन गेट को कुछ भी नहीं होता था, बस गेट पे काफी दर्दनाक बोला, बहुत ही भयानक तरीके से कोशिश किया गया था ब्रिटिश के दौरान, बट ऐसा कुछ। देखो बंदर का बच्चा यार, छोटा सा एकदम प्यारा सा लगता है। और ये देखो देख रहे हो, लेकिन छेड़ना नहीं, नहीं तो छीन लेगा भाई। कैमरा वैमरा छीन लिया तो उसमें एक प्रॉब्लम है। प्लस ये देखो, देख रहे हो इधर कैसे बैठा हुआ। प्लस वो अपना बाइक पे देखो यार, क्या राइड कर रहा है, क्या भाई ढीला निकाल रहा है। जू जैसे बोलते हैं ना हम सारे लोग, जू निकलता है वही जू निकाल रहा है। ये देखो, देख रहा अभी। सो गाइस ये देखो, ये पढ़ सकते हो, अगर नहीं पढ़ सकते तो मैं आपको बता देता हूँ। सोन भंडार है लिखा हुआ कि दोनों गुफा तरीके से बना हुआ, जो प्राकृतिक का दिया हुआ है ना गाइस, वो प्राकृतिक का वो दिया हुआ है, तो उसके साथ छेड़खानी ना करो तो ही अच्छा है। तो जय श्री राम गाइस, हर हर महादेव। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारे वीडियो देख रहे होगे। तो अभी अपन लोग गाइस सोन भंडार आ चुके हैं राजगीर का, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। ये राजगीर का अपन लोग सोन भंडार के पास आ चुके हैं। चारों तरफ का लोकेशन चेक करो ना, और इधर भी देखो काफ़ी सारा बंदर, छोटा छोटा सा बच्चा है ना, काफ़ी सारा यहाँ पे था। तो अभी अपन लोग सोन भंडार आ चुके हैं। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि एक सुरंग है, एक गुफा है, उसमें एक दरवाज़ा है जिसको आज तक कोई खोल नहीं पाया है। तो उसके आगे क्या रहस्य है ये मैं आपको वीडियो को एंड में बताऊंगा, बट अभी मैं आपको ना पहले दिखाता हूँ आपको गुफा, कैसा गुफा है। तो बस वीडियो में बने रहो। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट गाइस, और अभी आपको हम लेके चलते हैं गुफा गाइस। तो यहाँ से आओगे तो बाइक इधर के साइड से आपको पार्किंग करना पड़ेगा, तो यहाँ पर पार्किंग कर दो। उसके बाद यहाँ से आगे जाओगे तो देखो कुछ बहुत दूर दूर से आते हैं, लाइक ये श्रीलंका से आए हैं सारे लोग घूमने के लिए इस बस से। तो यहाँ से कुछ खाने पीने का भी ऐसा कुछ मिलता है। प्लस यहाँ से आपको टोटो मिल जाएगी, जो कि जरा संध का अखाड़ा उधर पड़ता है, उधर आपको लेके जाएंगे 1-2 किलोमीटर के आसपास। बट अपन लोग सोन भंडार जा रहे हैं, तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे सोन भंडार लिखा हुआ भी है, और यहाँ से आपका एंट्री होगा, लाइक यहाँ से आप लोग अंदर जा सकते हो। और साइड साइड देखो ना तो काफ़ी अच्छा सा एकदम हरियाली हरियाली से घास मिलेगा। प्लस यहाँ पर देखो ये अंकल जी घास का कटाई कर रहे हैं, जो भी मतलब ये है ना ज़्यादा हो गया ना, उसको साफ कर रहा है घास को, फूल पौधा, ताकि अच्छे से बढ़े उसके कारण, उसके लिए। और ये देखो पीछे का नज़ारा कुछ ऐसा है, लाइक यहाँ से ऊपर चढ़ोगे ना तो ये सीढ़ी है, और यहाँ पे देखो श्रीलंका के लोग आए हुए हैं जहाँ पे अपना कुछ पूजा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं नहीं पता। और यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ से गुफा देखो यार कितना तगड़ा वाला लगता है। ये गुफा नहीं, गुफा का मेन गेट ये है, और वो विंडो है, वो खिड़की शो कर रहा है। उसका भी रहस्य मैं आपको वीडियो का एंड में ही बताऊँगा, बट अभी पहले मैं आपको गुफा दिखा देता हूँ। तो इसका रहस्य तो मैं बताऊंगा, प्लस एक अंकल जी हैं वो बताएंगे, बट इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो खिड़की दिख रहा है ना छोटा सा, इसके सामने में ही वो गेट है गुफा का। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ अंदर जाने के बाद गुफा में। तो गाइस आ चुके हैं ये गुफा में, भाई डरावना लगता है यार, देख रहे हो कैसा गुफा है। सो ये कुछ गुफा है, प्लस यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ लिखा हुआ है जिसको गाइस आज तक कोई भी खोल नहीं पाया है। लाइक देख सकते हो ये विंडो है, ये खिड़की है, इसी के जस्ट सामने वो वाला दीवार है, लाइक ये देख सकते हो ये दीवार है। इसमें बहुत ही बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, इसमें कुछ ऐसा मान्यता है, 3 या फिर 4 अक्षर है लिखा हुआ, उसको आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। एक मुनि थे जो मान लो ना तो 2 डिजिट पढ़ पाए थे, तीसरा में उनको आँख से ब्लड आने लगा और उनका आँख वहीं पे ख़त्म हो गया था, उसके बाद से कोई भी ट्राई नहीं किया। प्लस यहाँ पे और भी कुछ बहुत सारा सीक्रेट है जो कि मैं आपको बताऊंगा। ये देख सकते हो ये दीवार है, देख रहे हो सारे लोग कॉइन्स यहाँ पे रखे हैं। तो ये मेन गेट है जो कि एक ऋषि मुनि जी, उनका नाम भी मैं अभी आपको बताऊँगा, वीडियो का एंड में सारा कुछ बताऊँगा, बस मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। पहले ये गेट को ध्यान से देख लो, यही गेट है। यहाँ पर ब्रिटिश लोग ना पीछे के साइड से जो अपना तोप रहता था ना, उधर से तोप लगाते थे, और यहाँ से तोप का जो आता था ना मिसाइल, डायरेक्ट उस गेट पे लगती थी। लेकिन गेट को कुछ भी नहीं होता था, बस गेट पे लगती थी और चिंगारी लग के और रिटर्न चला जाता था, उसका तोप का जो भी होता ना बारूद, वो रिटर्न चला जाता था। तो कुछ ऐसा मंजर इधर का था गाइस, काफ़ी दर्दनाक बोला, बहुत ही भयानक तरीके से कोशिश किया गया था ब्रिटिश के दौरान, बट ऐसा कुछ खोल नहीं पाए थे। और इधर देखो ना तो श्रीलंका के काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे जो कि घूमने के लिए आए थे। ये देख लो,
ऐसे सारे लोग घूमने के लिए आते हैं और फिर इधर से ना बाहर आओ ना तो आपको इधर भी दिखाते हैं। इधर थोड़ा भूकंप के कारण ना जो इधर भी गुफा टाइप का ही था लेकिन गिर गया चट्टान कुछ, तो ऐसा हो गया भाई, पूरा खुला खुला सा हो गया। फिर देख सकते हो आप लोग, सो पहले ये भी गुफा ही था लेकिन टूट गया थोड़ा बहुत इधर, तो ये देख सकते हो सारे लोग यहाँ पे आके अपना जो भी ये भगवान जी हैं, कौन से भगवान हैं, तो इनको सारे लोग पूजा करते हैं। लाइक देख सकते हो यहाँ भी हैं, यहाँ भी इनको सारे लोग पूजा करते हैं और सारे लोग यहाँ से जो भी घूमने के लिए आते हैं ना बाहर से, वो पूजा पाठ यहाँ पे करते हैं आके थोड़ा बहुत। जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो अभी बहुत सारे आए थे, वो भी पूजा कर रहे थे। और मैं अभी ना इस मंदिर के बारे में और भी क्या डिटेल देना, मैं अभी आपको यहाँ से बाहर जाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के बारे में क्या बताता हूँ, प्लस यहाँ का बहुत सारा सीक्रेट है गाइस, बहुत ही ज़्यादा, तो भी मैं अभी आपको बताता हूँ कुछ ही देर में गाइस। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. So finally guys, अभी मैं जा रहा हूँ आपको लेके, जो एक अंकल है ना वही आपको सारा कुछ डिटेल में बताएंगे और प्लस इसके बारे में और भी बहुत कुछ है जो सारा कुछ बताएंगे, तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ। फिलहाल देखो ना इधर का नज़ारा काफ़ी अच्छा लग रहा है, प्लस वो देखो बंदर का बच्चा है, छोटा सा एकदम प्यारा सा लगता है, और ये देखो देख रहे हो, लेकिन छेड़ना नहीं तो छीन लेगा भाई, कैमरा वैमरा छीन लिया तो उसमें भी प्रॉब्लम है। प्लस ये देखो यहाँ पे खाने पीने वाला सारा कुछ खा पी के अपन लोग गए थे थोड़ा बहुत, और अभी यहाँ से उधर जा रहे हैं। वो देखो भाई वो बाइक राइड कर रहा है भाई, वो तोड़, वो देखो मेरा बाइक राइड कर रहा है, अब भी तोड़ देगा भाई वो तो ये देखो देख रहे हो इधर कैसे बैठा हुआ, प्लस वो अपना बाइक पे देखो यार क्या राइड कर रहा है, क्या भाई ढीला निकाल रहा है, जू जैसे बोलते ना हम सारे लोग, जू निकलता है वही जू निकाल रहा है, ये देखो देख रहा अबे जूना निकालिए। तो अभी मैं आपको ना अंकल जी से बात करके बताता हूँ इसके बारे में। देखो सो गाइस ये देखो ये पढ़ सकते हो, अगर नहीं पढ़ सकते तो मैं आपको बता देता हूँ, सोन भंडार है लिखा हुआ कि दोनों गुफाओं को तीसरी या चौथी सदी ईस्वी में तेजस्वी जैन मुनि श्री वैरदेव जी ने बनवाया था, ऐसा करके लिखा हुआ। तो मैं इसको पूरा फुल डिटेल में बता देता हूँ, अगर आप लोगों ने पॉज करके ना आप लोग पढ़ सकते हो, तो मैं अभी आपको बताता हूँ। जो जैन मुनि जी है ना उन्होंने इस गुफा को बनाया था, एक पत्थर उसका रख के गेट को लॉक किया था, और इस गुफा के अंदर ना तीन गुफा है, इसका गेट खुलने से ना तीन गुफा अंदर खुलेगी। एक में ऐसा माना जाता है कि सोना चांदी बहुत सारा होगा इसमें भरा हुआ, दूसरे में पानी होगा जो कि राजगीर जो वाटरफॉल में जाती है ना उधर सात धारा ऐसा में उसका पानी जाता है, और तीसरा पैदल चलने वाला जो गुफा होगा वो होगा। तो किस में सोना चांदी होगा ये तो किसी को नहीं पता, इसी कारण से इसको कोई अभी डैमेज नहीं पहुंचाया जा रहा, हालांकि इक्विपमेंट सारा कुछ अवेलेबल है लेकिन इसको खोल नहीं सकते हैं, इस पर कुछ बार नहीं कर सकते। अगर ऐसा होगा ना तो आगे जो राजगीर का पानी है ना सात धारा उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। इसको पढ़ के खोला जा सकता था इजिली, बट इजिली नहीं, बहुत सारे पूरा दुनिया का ना साइंटिस्ट बहुत लोग पढ़ने की कोशिश किया, किसी से भी नहीं खुला। एक ऋषि मुनि थे उन्होंने दो वर्ड को जोड़ दिया था, तीसरा वर्ड जोड़ते जोड़ते ना उनका आँख से इतना ब्लड आने लगा ना कि उनका आँख ही चला गया, तो उसके कारण वो खुल नहीं पाया, मतलब तीनों वर्ड जुट नहीं पाया, बस दो ही जुटा था, तीसरा नहीं जोड़ पाए थे। तो ये कुछ कहानी थी, प्लस ब्रिटिश वाले जो भी थे ना वो यहाँ से तोप लगाते थे गाइस, और वो मैंने आपको दिखाया था ना वो वाली छोटा सा विंडो, वहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से तोप मारते थे गेट खोलने के लिए तोड़ने के लिए, तो उनका तोप का जो भी गोला होता था ना वो रिटर्न चिंगारी लग के वापिस आ जाता था, लेकिन वो गेट द्वार नहीं टूटा। तो सोच सकते हो किस तरीके से बना हुआ, जो प्राकृतिक का दिया हुआ है ना गाइस, वो प्राकृतिक का वो दिया हुआ है, तो उसके साथ छेड़खानी ना करो तो ही अच्छा है। तो हालांकि अभी तो इतना सारा ऐसा ऐसा सामान आ चुका कि आराम से तोड़ सकते हैं, लेकिन प्रकृति के साथ छेड़खानी नहीं करना चाहते गाइस कोई भी, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है। तो सोच रहे गाइस यहाँ पे वीडियो को एंड करें, मैंने तो आपको जितना जानकारी था वो मैंने आपको बता दिया, और वो अंकल जी भी यहाँ पे थे नहीं, इसी कारण से मैं सोचा यार मैं ही सारा कुछ बता दूँ, क्योंकि मैं अंकल जी से बात कर लिया था, वो सारा कुछ मेरे को बताए थे, वो टोटो चलाते तो कहीं और निकल गए। तो अभी सोच रहे अपन लोग यहाँ पे वीडियो को एंड करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, प्लस अपना बाइक पे ना जो बंदर है ना वो भाई मतलब चढ़ के यार राइडिंग कर रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो सोच रहे हैं पे वीडियो को एंड करें। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना गाइस। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, जय श्री राम गाइस, हर हर महादेव, बाय बाय।